पानी जो जमुना में था तो हम यहाँ से झुग्गी वुग्गी सब वो होगी चुगी, तो हम सूखे में जब आग लगे ऊपर तो ये आए सूखे में गए तो सूखे में खुलारे सामान तो फिर एकदम अचानक पानी आगा है? अचानक ही पानी एकदम ही आगा तो एक डांगा ढोर जमुना में से काट काट के ऊपर काट रहे, कुछ बंदे पर रखा है वो ठरेली खड़ी कर का है, तो ये कैसे वो कर रहे भाई दिक्कत तो ही पानी की, सब फसल मारी गई मारी है, जो मक्का वक्का सब फसल मारी गई हमारी। रात को यहाँ भी आ सकता है पानी? हाँ रात को पानी आ सके, हाँ पशुओं के लवे भी पानी आ सकता है, कोई पता नहीं। कितनी तेजी से बढ़ रहा है पानी? पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा, सवेरी तो कतई कतई चले था पानी, कोई परली तरफ का ढंगा कतई सफा था, पर मक्का ले रहे थे काट काट के, तो हम गए तो हमारे पेट थे तोड़ के लाए ना हमें, तो एकदम मुरली तरफ आए ना तो एक ही दम हो गए, इतनी तेजी का पानी, बड़ी तेजी का उस गड्ढे में लग गया किरण पानी। एक जब मैं सुबह आया हूँ तो यहाँ पानी नहीं था, और जितनी अब तक पानी फुल हो गया है, बहुत स्पीड से पानी चढ़ रहा है, और ज्वार मक्का हरी मिर्च तोरी सारी ही चीज नष्ट हो गई है। बैठा बैठा हमारा सब खराब हो। तो ये पानी पिछले पीछे हथलीकुंड बराज से भी छोड़ा गया है, बारिश भी हो रही है, पहाड़ों में रिकॉर्ड बारिश हुई है, तो क्या लगता है बहुत जल्दी पानी बढ़ रहा है ये, तो आप लोगों ने पशु वगैरह बांध रखे कैसे इंतजाम करेंगे? इनका तो इंतजाम यही है अपने बांध पे लेके जाएंगे, और तो कोई इंतजाम है नहीं, बांध पे गवर्नमेंट टेंट नहीं लगवाती, कुछ नहीं लगवाती, बांध पे पड़े रहेंगे बेचारे बारिश में। सरकारी इंतजाम नहीं है? सरकारी इंतजाम कोई नहीं है, बढ़ रहा है मतलब बहुत ही बेकाबू पानी है, हमारी सारी फसलें नष्ट हो चुकी है, जितने भी हमारी मतलब फसलें थी मक्का बाजरा तोरी घिया मिर्ची जितनी भी थी काफी नुकसान हो गया, सभी किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। क्या खेत डूब गए हैं क्या? पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से इकोनॉमिक हमारी बिल्कुल डूब चुकी है।